सीमावर्ती इलाका है, तो मोटिवेशन भी मुझे अपने अपने गांव से ही मिली है, क्योंकि यहाँ मैं यहीं पली बड़ी हूँ, तो मैं आगे पीछे आर्मी वाला माहौल ही देखा है। बहुत तो अच्छा लग रहा है डेफिनेटली, सबको इतना खुश देख के, अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली चाचा जी सबको देख के इतना खुश, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है। हम भी क्लियर हुआ, SSB इंटरव्यू भी क्लियर हुआ, और आज मुझे AI 10 मिला है। नहीं थी और गोलाबारी भी, लेकिन ये चीज़ों को कभी मैंने ऐसे नहीं देखा कि हम मुझे रोक रही हैं। रखी और सोचा कि मुझे आगे बढ़ना है, इन सबसे ऊपर निकलोगे, आपको ऑब्स्टेकल्स को पार करना है। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी गोल छोटा नहीं होता, आप अपना गोल सेट करो, आपका जो ड्रीम है वो ड्रीम बनाओ और उसको फॉलो करो। कहते हैं जब हौसला हो बुलंद तो किसी भी मंजिल को छुआ जा सकता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया सीमावर्ती पुंछ जिले के गांव जलास की रहने वाली शगुन शर्मा ने। शगुन शर्मा ने CDS में 10वां स्थान हासिल कर सीमावर्ती पुंछ जिले का नाम रोशन किया है। इस समय पूरे गांव जलास में खुशी का माहौल है। पूरा गांव इस समय शगुन शर्मा को मुबारकबाद देने के लिए उनके घर पर जमा हुए हैं। लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर शगुन शर्मा की कामयाबी का जश्न मना रहे हैं। वहीं शगुन शर्मा ने बताया कि बचपन से ही सेना में जाने की तमन्ना थी, जो आज पूरी हुई है। वहीं शगुन शर्मा ने यह भी बताया कि जब बचपन में वह अपने गांव में इंडियन आर्मी को देखती थी, तब मेरा यही मन करता था कि मैं सेना में जाकर देश की सेवा कर सकूं। और आज भगवान ने वो मौका दे दिया है कि मैं देश की सेवा कर सकूं। वहीं शगुन शर्मा का यह भी मानना है कि अब सीमावर्ती इन गांव की महिलाओं को भी आगे आकर देश की सेवा में हिस्सा लेना चाहिए। बहुत तो अच्छा लग रहा है डेफिनेटली, सबको इतना खुश देख के, अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली चाचा जी सबको देख के इतना खुश, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है मुझे अभी। तो आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं, तो कैसे आपने सोचा कि आप आर्मी ज्वाइन करेंगे? ये एक सीमावर्ती इलाका है। हाँ जी बिल्कुल, सीमावर्ती इलाका है, तो मोटिवेशन भी मुझे अपने अपने गांव से ही मिली है, क्योंकि यहाँ मैं यहीं पली बड़ी हूँ, तो मैं आगे पीछे आर्मी वाला माहौल ही देखा है। तो मुझे यहीं से शुरू से इंस्पिरेशन थी कि मुझे ऐसा ही बनना है, इनकी तरह ही बनना है, यही ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी है। तो आस्था करते करते फिर ग्रेजुएशन के बाद फिर CDS देना मैंने शुरू किया ये एग्ज़ाम। तो आज ये काफ़ी हार्डवर्क के बाद, काफ़ी सारे अटेम्प्ट्स फेलियर्स फेस करने के बाद आज मुझे सक्सेस मिली है। तो एग्ज़ाम भी क्लियर हुआ, SSB इंटरव्यू भी क्लियर हुआ, और आज मुझे AI 10 मिला है। जैसे कि ये सीमावर्ती इलाका, आए दिन यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी रहती थी, तो जी उस समय आप क्या महसूस कर रहे थे और क्या सोचा था कि आर्मी ज्वाइन करके आप क्या करना चाहते हैं? हाँ जी बिल्कुल, देखो अपने गांव में हार्डशिप्स थी, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं थी और गोलाबारी भी, लेकिन ये चीज़ों को कभी मैंने ऐसे नहीं देखा कि हम मुझे रोक रही हैं। मैंने इनको एज ए स्टेपिंग स्टोन ही लिया और हार्डवर्क मेहनत जारी रखी और सोचा कि मुझे आगे बढ़ना है, इन सबसे ऊपर निकलोगे तो ही कुछ अचीव कर पाओगे। इन इन चीज़ों को मैं लेके बैठ जाती तो शायद यहीं पर रहती, लेकिन आगे बढ़ती गई और चीज़ें होती गई और आज मैं इस AIR 10 ले पाई हूँ मैं CDS क्लियर करके। तो यही कहना चाहूँगी कि आपको ऑब्स्टेकल्स को पार करना है, वहाँ उनको देख के रुक नहीं जाना कि भाई ऑब्स्टेकल इतनी बड़ी, ऑब्स्टेकल कभी बड़ी नहीं होती, बस आप में वो साहस होना चाहिए वो उससे आगे बढ़ने का। जैसे कि फैसिलिटीज़ अगर देखा जाए तो यहाँ फैसिलिटीज़ बहुत कम है, उसके बावजूद भी आप यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचे हैं। हाँ जी फैसिलिटीज़ तो हाँ डेफिनेटली बहुत कम है, जो स्टूडेंट्स को बहुत रोकती हैं इस चीज़ के लिए, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन टीचर्स का बहुत रोल रहा मेरी पूरे एजुकेशन करियर में। उन्होंने मुझे हर वो चीज़ मतलब प्रोवाइड की, मुझे बूस्टअप किया, मुझे एनकरेजमेंट दी और मोटिवेट करते रहे टाइम टू टाइम, ताकि मैं अपनी जितना भी रिसोर्सेज मेरे पास थे मैं उनको यूटिलाइज कर सकूँ और अपना बेस्ट दे सकूँ। जैसा कि जिस सीमावर्ती इलाके हैं और पहली आप वुमेन है यहाँ से निकल हाँ के जी इस मुकाम तक पहुँची, तो क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं वो मैसेज? हाँ डेफिनेटली गर्ल्स के लिए तो बड़ी बात हो जाती है यहाँ से कुछ उठ के बड़ा अचीव करना, और ये फिर डिफरेंट फील्ड में। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी गोल छोटा नहीं होता, आप अपना गोल सेट करो, आपका जो ड्रीम है वो ड्रीम बनाओ और उसको फॉलो करो, उसके लिए हार्डवर्क करो और एक दिन आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी।
अब तो आर्मी में आप पहुंच चुके हैं, तो क्या है आगे नेक्स्ट? हाँ जी, आर्मी में अभी 1 साल की ट्रेनिंग है, उसके बाद में मुझे रैंक मिलेगा। तो अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि अच्छी जाए ट्रेनिंग, मेरी ट्रेनिंग में भी अच्छा परफॉर्मेंस हो, उसके बाद देश की सेवा कर पाऊँ मैं। यहाँ तक पहुँचने में किसका योगदान आप ज़्यादा मानते हैं? योगदान तो सबका ही रहता है, आपके हर हर इंसान का जो आपके साथ जुड़ा है उसका अलग अलग योगदान है। सबका ही ये कोलैबोरेटिव एफर्ट होता है कि आप उन सभी को मिला के यहाँ तक पहुँचते हो। तो फैमिली, टीचर्स, बाकी सब जो रिलेटिव्स हैं, तो सबने इनक्रेज किया मुझे टाइम टू टाइम, तो मैं उन सभी का योगदान एक। तो बधाई का देना चाहता हूँ अपनी बेटी को, जिसने इतनी स्ट्रगल, मेहनत, लगन से आज यहाँ तक पहुँची है, और अपने घर वालों का, माँ बाप का, रिश्तेदारों का मान बढ़ाया। तो इससे मैं बहुत प्रसन्न, बहुत खुशी है मुझे कि मेरी बेटी ने, और मैं उन टीचर्स साहबान का, उन लेक्चरर्स का, उन प्रोफेसर साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने इस मेरी बेटी को इस काबिल बनाया, यहाँ तक पहुँचाया। पढ़ाई का रोल जो सब उनके श्रेय जाता है। है, मैं इसकी मुबारकबाद आनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, होम मिनिस्टर जी और लेफ्टिनेंट गवर्नर जी को देना चाहता हूं कि जिन्होंने ये सीज फायर करके इस इलाके को एक पीसफुल इन्वायरमेंट दिया कि जहां ये बड़े बच्चे पढ़ सके। ये वो इलाका है कि यहां बंकर बने हुए हैं कि जब यहां गोलाबारी होती है तो पूरी फैमिली जो है बंकर में घुस जाती है, और यहां बच्चों को एक खौफ और आस का इन्वायरमेंट था, और ये एक पीसफुल एनवायरनमेंट जो हमारे बच्चों को मिला। और आज इस दूर दराज गांव में जहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी, जहाँ पे दीगर फैसिलिटीज़ नहीं हैं, जैसे कि आपने पूरा इलाके को कवरेज भी किया है, तो यहाँ की इस बच्ची ने ये रैंक लेकर हमारे बच्चों के लिए और ख़ासकर बच्चियों के लिए एक इंस्पायरेशन दी है। बोल बना कि कल से हमें मुबारक तो लेना बहुत दूर की बात है, हमारी आंखों से आंसू निकले जा रहे हैं। वो बोलते हैं ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है। वही मेरी शगुन बेटी को मालिक ने पूछा कि बेटी तुझे क्या चाहिए, हमें पता भी नहीं था, कल शाम को हमें पता चला, और ऐसा घर में माहौल बन गया कि हमें हमें आंसू ही निकल पड़ रहे हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रही हूँ, तो हमें बहुत खुशी है। सर, सबसे पहले मैं शगुन शर्मा को मुबारकबाद देता हूँ, जिसने इतनी बड़ी अचीवमेंट करके अपने माँ बाप का, हमारा और रिलेटिव्स का और पूरे गांव का नाम रोशन किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बच्ची की मेहनत और लगन, मेहनत और लगन के साथ इसने जो काम किया है, बार बार एग्ज़ाम देना, उससे बैक होना, फिर हौसला नहीं तोड़ने की वजह से आगे बढ़ती रही, कदम को आगे बढ़ाती रही, और आज ये जो है इसको NDA एग्ज़ाम में रैंक 10। हम सभी पुंछवासियों के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि हमारे सीमावर्ती गांव जलास की बेटी शगुन शर्मा, सुपुत्री श्री सुभाष चंद्र पल्होत्रा जी, उस बेटी ने CDS में 10th रैंक जो है ऑल इंडिया लेवल पर लेकर के हमारे गांव का नाम जो है वो रोशन किया है। ये बेटी जो है, बचपन से मैं इसको जानता हूँ, ये बड़ी होनहार और हर क्लास में जो है ये प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बेटी थी, और सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर जो स्ट्रगल थी, उस स्ट्रगल के कारण आज इसने इतना बड़ा जो है वो अच्छे लेवल का रैंक जो है प्राप्त करके सेना के अंदर जो है ये लेफ्टिनेंट रैंक पर जो है गई है। इसने यहाँ पर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ।